ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितना बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा हमेशा की तरह। तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की नई इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस, पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को उस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है एंड इसको पिक्सआर्ट में ओपन कर लेना है। फिर उसके बाद जाना है ऐड फोटो में एंड आप सभी को यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो मॉडल का बैकग्राउंड जो है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नई वीडियो की लिंक दे रखी है। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी, तो उसको जाकर चेकआउट करना। उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है, तो आप सभी को उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तो चले गए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे मॉडल को ऐड करने के बाद आप सभी को फिर करना है कि आप सभी को जिस टाइप से यहाँ से डन कर देना है एंड उसके बाद गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में दोबारा से एंड यहाँ से आप सभी को एक क्राउ का पीएनजी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को उसको ले लेना है एंड उसके बाद आप सभी को फोटो को जूम करके एंड अपनी आई के पास को जिस टाइप से लगा देना है। ठीक है, मतलब ऐसे लगाना है कि जो ये क्राउ का जो फेस है वो आपके एक आई के पास आए। ठीक है, वहाँ पे लगा देना है कुछ इस तरीके से एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे रोटेट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये जो फोटो तैयार रही है ना, थोड़ा मतलब कि इस कॉन्सेप्ट के लिए नहीं थी, तो इसमें थोड़ा क्राउ जो है अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहा, बट तैयार कर दिया मैंने जैसे जैसे। ठीक है, तो उसके बाद गए आप सभी को ये शेडो का पीएनजी ले लेना है एंड कुछ इसका भी लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको ले लेना है। ठीक है, तो उसको आप सभी को इसके शेडो को जो कैसे लगाना कैसे है वो मैं आप सभी को पहले यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहले तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा एडजस्ट करता हूँ एंड उसके बाद जो इसका पॉइंट को जो आपको थोड़ा चौड़ा करना है। ठीक है, शेडो को जो है थोड़ा बड़ा करना है यहाँ पे एंड कुछ इस टाइप से साइज़ को छोटा करके एंड यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से आपको शेडो बनानी है। ठीक है, तो इसको बस फिर जो साइज वाइज इसको बड़ा करके कुछ इस टाइप से बना देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, ये देखिएगा काफ़ी अमेजिंग शेडो लग रही है यहाँ पे। ठीक है हमारी, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से शेडो बनानी है आप सभी को, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, कि आप जाओगे फिर वहाँ पे मतलब कि ड्रॉ टूल में वहाँ से शेडो बनाओगे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है इससे भी। तो यहाँ पे आप सबको क्या करना है, डांस कर देना है डन एंड उसके बाद गाइस आप सबको अब क्या करना है, आप सभी को जाना है दोबारा से ऐड फोटो में एंड आप सभी को ये वाला पीएनजी मिलेगा विगनेट का, तो आप सभी को ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको उसको फुल स्क्रीन कर देना एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो देखिएगा इससे भी काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है हमारी फोटो में एंड गाइस, अब आप सभी को कर देना है डन एंड गाइस उसके बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐसे टूल्स में। ठीक है, तो ऐसे डन करने के बाद हम ऊपर से चलेंगे एंड ऐसे टूल्स में जाएंगे, फिर जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आप सभी को जो इसका ब्राइटनेस जो है कम कर देना है। ठीक है, एंड उसके बाद जो इसमें आपको इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना है, फिर उसके बाद ब्रश में एंड इसकी साइज को बड़ा कर देना है बिल्कुल फुल एंड उसके बाद कुछ इस टाइप से आपको पेंट करना है। साइड साइड में जो है डार्कनेस डालनी है, डार्कनेस डालनी है एंड इसकी जो गाइस आप सभी को अभी लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस हो गई, बट हम इसको आप बाद में मैनेज कर लेंगे, पहले हमें जहाँ से डार्कनेस चाहिए हम वहाँ पर पेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम पेंट कर लेंगे एंड थोड़ा सा इसको यहाँ से भी कर लेते हैं एंड उसके बाद गाइस जहाँ से हम इरेजर को थोड़ा क्लिक करेंगे एंड यहाँ से फेस के पास से थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, तो इसके यहाँ पे हम हार्डनेस एंड ओपेसिटी कम करेंगे थोड़ी सी एंड उसके बाद जूम करेंगे फोटो का एंड यहाँ से फेस के पास सीरीज कर देंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से एंड उसके बाद यहाँ से डन करेंगे एंड जिसका अमाउंट आप इसको हम यहाँ पे कम कर देंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए काफ़ी अमेजिंग लग रही है यहाँ पे फोटो हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डन करते हैं एंड उसके बाद अब इसमें हम करते हैं थोड़ी कलर करेक्शन जो कि करते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर। तो ऐसे हम बैक चलते हैं सिंपली एंड ऐसे हम डायरेक्ट लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेंगे एंड गाइस यहाँ पे हमारा लाइटरूम ऐप ओपन है, तो अब आप सभी को करना है कि आप सभी को जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में जो आप सभी को साइड में दिख रहा होगा, तो हम इस पर जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ से हम कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे थोड़ा सा। ठीक है, एंड जो ये हाईलाइट है इसको भी बढ़ा देंगे, शेडो जो है इसको थोड़ा कम कर देंगे एंड जो शेडो को गाइस थोड़ा कमी, शेडो को उतना ही रहने देना। ठीक है, एंड उसके बाद जो है वाइट को बढ़ा देंगे, ब्लैक को बढ़ा देंगे एंड जाएंगे कलर्स में वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, फिर जाएंगे कलर्स मिक्स में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, एंड इसका ल्यूमिनस बढ़ा देंगे थोड़ा सा एंड इसके बाद जाएंगे गाइस हम यहाँ से येलो कलर में इसके सैचुरेशन को माइनस कर देंगे एंड इसके बाद ग्रीन कलर इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे एंड जो डार्क ब्लू है इसके सैचुरेशन को भी बिल्कुल माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप उसको डन कर देना है एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी इसको बढ़ा देना है एंड जो विगनेट है वो डाल देना है। ठीक है, विगनेट वैसे जरूरी है नहीं क्योंकि हम डार्कनेस पहले ही कर चुके हैं, बट हम थोड़ा यहाँ से डाल ही लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से ग्रीन अमाउंट को बढ़ा देंगे एंड इसको जाएंगे नीचे वाले टूल में, फोटो जो शार्पनेस है इसको इंक्रीज कर देंगे एंड जो नोइस रिडक्शन इसको बढ़ा देंगे एंड जो कलर नोट रिडक्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो गाइस फाइनली हमारी फोटो का जो रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि यार मैं जो वीडियो डालूँ उसके अपडेट आप मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।